कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों अपने विरोधियों के निशाने पर हैं। पुलवामा मामले के बाद सिद्धू ने पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने की वकालत की थी। इसे लेकर उन्हें अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं मिला। दिग्विजय सिंह ने तो सिद्धू को राय दी थी कि वो अपने दोस्त इमरान को समझाएं। इसके बाद से ही विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने में जुटे हैं। अपने खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को लेकर आज सिद्धू उबल पड़े और उन्होंने पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। पुलवामा मामले में अपनी शुरुआती बयानों के बाद अब खामोश रहे नवजोत सिंह सिद्धू के सब्र का बांध आज टूट गया। बीजेपी नेता और बीजेपी के सोशल मीडिया आर्मी द्वारा खुद को किए जा रहे ट्रोल को लेकर उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ लगातार ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि पीएम साहब, आपका डायलॉग खुददारी, किसी और का डायलॉग गद्दारी, सत्य पड़ेगा तुम पे भारी, @NarendraModi नहीं डरते तुम्हारे भाड़े के ट्रोल से। एक अन्य ट्वीट में सिद्धू ने कहा, कितने चुनाव जीते, दो हारे, हारे हुए के सहारा है पुराने जयचंद जी। पुलवामा हमले को लेकर किए एक अन्य ट्वीट में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, हमारे बहादुर अधिकारी से खुफिया इनपुट प्राप्त हुआ, क्या कार्रवाई की। हम आपको बता दें कि पुलवामा मामले के बाद सिद्धू ने कहा था कि कुछ लोगों की करतूत के लिए पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने सिद्धू पर जमकर हमला बोला था। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो इशारों इशारों में सिद्धू को जयचंद तक करार दे दिया था, जिसे लेकर आज सिद्धू ने स्मृति ईरानी को जवाब दे दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।